गुड आफ्टरनून शुभम, कैसे हो? आई एम फाइन। एक्साइटेड अबाउट टुडेज एक्सपर्ट सेशन? यस सर। प्लीज कोशिश करना कि अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगे कि कुछ पूछना है या फिर कुछ बात करनी है तो फ्रीली एक्सप्रेस करना अपने आप को यार, ऑलराइट? बिकॉज बल्कि हम तो कहेंगे ये कोशिश करना कि तुम्हें मिनिमम एक बार इंटरेक्ट करना ही करना है यार, ठीक है? तो क्योंकि यार इन एक्सपर्ट सेशंस में अगर तुम इंटरेक्ट करना धीरे धीरे सीखोगे ना, तभी किसी भी रैंडम कॉन्वर्सेशन में तुम इंटरेक्ट कर पाओगे बहुत इजीली। यस सर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी इंग्लिश भी प्रैक्टिस यहाँ पे करो एंड थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करो अबाउट स्पीकिंग एट सच इवेंट्स। लेट्स वेट फॉर एवरीबडी एल्स टू जॉइन। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग ऑन टाइम शुभम। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट कि तुम हर क्लास में टाइम पे ज्वाइन भी करते हो एंड अच्छे से पढ़ते भी हो। Hi Nitin, I'm Pankaj. Hi. And Max. Yeah, I'm Pankaj. So glad to have you here. We'll wait for 2 more minutes while our students join in. Thoda sa intense rehta hai kuch bachon ka, so it takes 2 to 3 minutes for them to join. Nah, it's perfectly fine. Yeah. Alright. So where are you based right now, Nitin? Mumbai. Okay, and how is the weather there? Rainy yaar, bharpoor pani hai. Superb. So I think सिमरन मस्ट हैव टोल्ड यू कि हम लोग के नितिन के साथ, नितिश निधीश के साथ बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं जहाँ पे हम लोग क्लासेस रन करते हैं मोर देन मंथ, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड ग्लैड कि यू डिसाइडेड टू हेल्प आउट नितिश एज वेल इन प्रोवाइडिंग सम ऑफ द सर्विसेज। ना ना यार, वो मतलब दिस इज द लीस्ट राइट। या दिस इज द लीस्ट, सो नो वरीज, परफेक्टली फाइन आई गेस, वी आर गुड। वेयर आर यू बेस्ड आउट ऑफ नितिश? मतलब Where are you from? Bhopal. Bhopal, okay, nice. So Bhopal mein to weather is like superb throughout the year. Matlab only summers nowadays is a bit hot, but otherwise Bhopal is a pleasant city to live in. Yep. I've had the opportunity of going there for a trip. It felt like this is one of the cities one would want to settle in. Yeah, settle in. Then kuch hai aur hai nahi na. There's not much of an industry or anything else, right? There are only bankers, government employees, and schools and education stuff. Nothing else. So, in today's session, we'll be a lot of students joining us from the orphanages. All right, sure. Sorry, Pankaj. 2 minutes. I'm just trying to change my mind. मेधा एक बार कोऑर्डिनेट कर लो और वहाँ कम्युनिटी बात की बच्चों से, प्रखर से एंड बाकी सबसे कि प्लीज ज्वाइन कर लें।
हेलो आदित्य, Prakhar, are you there? हेलो आदित्य, हे अनंत, प्रखर, अश्विनी, सारे लोग धीरे ज्वाइन कर ले रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? तो आदित्य, प्रखर, अश्विनी, अश्विनी अपना कैमरा ऑन कर लेना अगर नेटवर्क सही आ रहा हो। तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है यार कि इन सेशंस में हम लोग के पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं बात करने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तुम लोग को। अश्विनी, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो अनम्यूट ही रखो अपने आप को, नो इश्यूज। तो हम कह रहे थे कि इतने अच्छे अच्छे जगहों से लोग तुम लोग को मोटिवेट करने आते हैं, तुम लोग से डिस्कस करने आते हैं चीज़ें, तो कोशिश करो कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी और अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने के लिए हर मीटिंग में कम से कम एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर करो। इट कुड बी अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो सकता है जो तुम्हें हो, कुछ डिस्कशन के लिए ऐड करना चाहो। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ यही बता दो कि सेशन कैसा लग रहा है तुम्हारा, जस्ट सो दैट वो बात करने की क्षमता तुम लोग की बढ़ जाए। और ठीक है ना, तो जितनी जितनी बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हैं, हम लोग मॉडर्न मार्क्स पे तुम लोगों को इतने अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं, ये सेशंस करवा रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि इन सेशंस में तुम लोग भी अपनी आवाज़ उठा के बात करो। नितिन एंड प्रिंसिपल मैम पिछली बार आई थी, और भी सेशंस हुए थे, तो इट वुड बी ग्रेट अगर एटलीस्ट एक बार हर सेशन में तुम लोग कंट्रीब्यूट जरूर करो डिस्कशन में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहने को तो भी कोशिश करो, एक बार ट्राई जरूर करो। ठीक है, आज हो सकता है ना बोल पाओ, अगले टाइम तक अगर कोशिश करते रहोगी तो बात करने की चीज आ जाएगी, और अगर इंग्लिश में बात कर सकती हो तो इंग्लिश में करो, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर नहीं कर पा रही हो तो ऑब्वियसली हिंदी में भी कर सकती हो। और आज जो नितिन सर हम लोग के साथ कनेक्टेड हैं, वो असल में मुंबई से ही हैं, तो हम लोग चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकती हो उन लोग से। नहीं नहीं कर सकते, मुझे मराठी नहीं आती। एंड सेम गोज फॉर प्रखर, आदित्य, शुभम जो दूसरे बैचेस के बच्चे हैं, कि मेक श्योर कि हर कॉन्वर्जेशन में एक बार जरूर कनेक्ट करो, सो दैट तुम लोग की भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। नितिन, आई होप यू आर बैक नाउ। या आई एम बैक, यस। ऑलराइट, सॉरी, वो आई हैड टू पुट ऑन अ चार्जर। विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर, आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड इंट्रोड्यूस टू एवरीवन। सबको पहले से ही बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके। तो एवरीवन, सारे लोग, हम लोग के यहां पे बच्चे मोर देन मार्क्स के ऑर्फनेजेस तो हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे हैं। एक नारायण चंद ऑर्फनेज है जहाँ पे ऑल मेल्स ऑर्फनेज बच्चे हैं, एंड एक शारदा माता ऑर्फनेज है जहाँ पे, मुंबई में ही है दोनों ऑर्फनेज, जहाँ पे अराउंड 20 लड़कियाँ हैं फ्रॉम थर्ड ग्रेड ऑल द वे टू यूनिवर्सिटी, जिनको हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड प्लेसेज ऑल ओवर इंडिया। कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं, सुल्तानपुर से हैं, मुंबई से हैं, जो हम लोग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग के साथ कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश सीखते हैं। तो ये सेशन सभी को पहले से बता दिया गया था, एंड दे वर रियली एक्साइटेड कि बिट्स, बाइट्स एंड बिटकॉइन, एक बहुत कूल सी चीज़ें कुछ कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। बिटकॉइन, सबको कुछ हद तक पता है कि बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो है, बट किसी को पता नहीं। एंड सिंपल स्टफ, कॉम्प्लेक्स नेम्स, दीज आर सम थिंग्स दैट आर वेरी रिलेटेबल टू दी स्टूडेंट्स। तो वील सी कि कैसे नितिन सर आप लोग को ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट नितिन सर, नितिन सर स्कोबो नेटवर्क से कंपनी है जिसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो ही हैज़ हिज ओन कंपनी मुंबई बेस्ड में, एंड
जितना भी एंड टू एंड कंप्यूटर सिस्टम्स रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, बी इट वेबसाइट रिलेटेड, बी इट हार्डवेयर रिलेटेड, इनकी कंपनी हर चीज़ में हेल्प करती है लोगों को, कंपनीज को टू फिक्स एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज. तो ये हर दिन नए इश्यूज फिक्स करते हैं दैट पीपल ऑल ओवर इंडिया एंड प्रोबेबली द वर्ल्ड इवन फेस. तो आज ऐसी ही कुछ बातें नितिन सर करेंगे. एक चीज और, हम लोग के कम्युनिटी बैच के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, प्रखर, शुभम, आदित्य, अनंत एंड शाश्वत उत्कर्ष, तो आप लोग को लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना एंड ये सब चीज़ें करना सिखाया था. तो आई विल शेयर विद यू द लिंक ऑफ नितिन सर प्रोफाइल. एक बार खुद से एक्सप्लोर करना कि एक प्रोफेशनल की वेबसाइट किस तरह की, लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह लगती है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्रोचिंग हिम इवन आफ्टर दिस session, I hope Nitin, you have no problem if they send you a connection. Nah, I have no issues. So, abhi latest 7th, 8th to 12th class ke bachche hain jinko humne LinkedIn use karna sikhaya hai, and they have started approaching people they are interested, things they are interested in. So, kuch log ko apne papa ki company ke liye website banane mein interest tha, to wo LinkedIn pe search karke logon se connect kar rahe hain who can help them out with that and stuff like that. So, I'll share your LinkedIn profile in the WhatsApp group so that these students can connect with you after the session as well. Done. Chalega Pankaj, bilkul. No worries. Without taking much time further, the session is yours, Nitish. Nitin, you can go ahead and start. Okay. So, acha, mujhe jo hai before we, I just turn the video here. Okay. Sure. Switching on a video will change anything, but at least tumko dikhega bol kaun raha hai. I don't think so that will increase audience interest or anything. Anyway, so okay. So what I, मुझे एक चीज बताइए ना, अभी अश्विनी और is there one person or behind each person there are? नहीं, तो जो orphanage है जहाँ पे अश्विनी रहती है वहाँ पे we only have 2 phones for 20 kids. Oh, okay. तो उन दो फोन से we have 20 kids connected. Otherwise जो यहाँ पे सुमित है वो शुभम, वहाँ पे शुभम फोन से कनेक्टेड है, आदित्य में आदित्य कनेक्टेड है. तो वी हैव वन, मोस्ट ऑफ देम आर वन स्टूडेंट पर फोन, बट फॉर अश्विनी एंड दो अश्विनी जाधव के फोन हैं, तो वहाँ पे वी हैव अराउंड 5 to 10 स्टूडेंट्स कनेक्टेड. अंडरस्टूड, परफेक्ट, ठीक है. अच्छा, अभी अश्विनी आपको आवाज आ रहा है क्या? अश्विनी हां सर, ठीक है. अच्छा अश्विनी, आपके साथ कौन कौन है वहाँ पे? सर मेरे साथ 6 गर्ल्स हैं. अच्छा, और सबका एज क्या है? सब 9 सर, 50 to 19 तक है. अच्छा, 15 से 19 तक, 19 तक, करेक्ट? हाँ. ओके, परफेक्ट, ओके, ठीक है. और वो आप लोग, आपने दोनों फोन पे वही लोग हैं राइट, साथ में हो आप लोग? Yes sir. Okay, ठीक है, ठीक. And Sumit, आप लोग, मतलब I'm just trying to get a sense of age, okay? Sumit. Hello, Sumit. हाँ दोस्त, Sumit तुम्हारा age कितना है? मैं 13 years. तुम 13 years के हो? Okay, perfect. Okay, Prakar आप कितने साल के हो? Sir, I'm 15. You are 15. 14. अच्छा, एक बड़ा दिया था मैंने. ओके, ठीक है, 14 साल. ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट राइट, ठीक है. सो अच्छा, आप में से जो है अच्छा, किसी ने भी किसी को कितना क्या पता है? अश्विनी, आप में से किसी को भी, आप लोग अभी जो कंप्यूटर में करते हो उसमें आपको बिट्स या बाइट्स कुछ भी पता है क्या? कभी ऐसा वर्ड सुना है? नहीं सर, नहीं सुना है. जाते नहीं सुना है, चलो ठीक है. अच्छा, अब ये बताओ, आप लोग फोन से यूज करते हो, फोन पे व्हाट्सएप चलता है? हाँ चलता है. परफेक्ट, व्हाट्सएप पे जो है आप लोग सबको मैसेज भेजते हो, मैसेज रिसीव करते हो, बराबर है? हाँ. ओके, और यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो? हाँ. करेक्ट है, ठीक. तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी ये सब जो है ना, चक्कर क्या है कि ये सब के चक्कर में आप इस्तेमाल जो कर रहे हो ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ओके, दिखता सिंपल है बट पीछे. तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके पीछे जो एकदम सिंपल चीज़ है ना, एक और एक दो होता है, एक दो और एक तीन होता है, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है वो अपन कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि कल को जब आप व्हाट्सएप देखोगे ना तो आपको पता होगा अच्छा व्हाट्सएप चलता कैसे है, पीछे लोग क्या कर रहे होंगे, ठीक है. हाँ सर. तो कोई भी कल को कोई किसी का वेबसाइट देखोगे, यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, ट्विटर देखोगे,
कुछ भी देखोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए कि अच्छा ये लोग कैसे इसको कर रहे होंगे। ठीक है, अभी अपन इस तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सुमित आप लोगों ने कभी बिट या बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, अच्छा कितने भी फोन की मेमोरी कितनी की है आपके फोन में, कितनी मेमोरी आपको मालूम है क्या अश्विनी? 2 GB रैम है, 4 GB रैम है? 4 GB सर। हाँ तो देखो आपको पता है फिर बाइट क्या है। 4 GB का फुल फॉर्म होता है 4 GB। मेगाबाइट, हाँ बराबर। गीगाबाइट का छोटा भाई कौन है? मेगाबाइट। मेगाबाइट का छोटा भाई कौन है? किलोबाइट। किलोबाइट का भी छोटा भाई कौन है? बाइट। और बाइट का भी छोटा, सबसे छोटा कौन है? बिट्स। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो तो अपन बिट्स से चालू करेंगे। ठीक, हाँ सर। ओके, कहीं डाउट रहेगा ना तो बता देना। ठीक है, मैं जल्दी सीक्वेंस फिर से रिपीट करो ना भाई। फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो आप, है ना। हाँ ये देखो, अरे ये पंक्चुएशन डाल दिया, देखो बढ़िया से, है ना, एकदम सही। तो अपन पहले चलते हैं, ये देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है वाइट वाला? हाँ सर। परफेक्ट, चलो तो अभी पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे बिट। ठीक है, अभी बिट में अपन क्या बात कर रहे हैं, सिंपल स्टफ कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब क्या है, देखो अंत में ना सब कुछ बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन क्या होता है, अच्छा नाम देने के चक्कर में हर कोई उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। ठीक है, नाम पे मत जाओ। ओके, अपने को समझ आना चाहिए। हाँ तो क्या है, अभी तुम रोटी बोलते हो, बराबर है, अपन आटा गूंथते हैं, रोटी बोलते हैं, उसी को पब्लिक ब्रेड भी बोलती है, कोई उसी ब्रेड को और चार नाम देता है, उसको बेगन बोलता है, बन बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, अंत में कुछ नहीं है, रोटी है। ठीक, तो वैसे ही सेम चीज। सो अभी देखो अपन लोग बात करेंगे पूरी जो दुनिया है, ओके, एवरीथिंग बी कंप्यूटर, चाहे आप और मैं अपने दिमाग में या जो पौधों में, सब जगह जो कॉमन सिस्टम है उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। कभी सुना है क्या है बाइनरी सिस्टम? हाँ सुना है, सुना है। अच्छा बताओ बाइनरी सिस्टम क्या होता है? हाँ जो ही तो बोल रहा है, तुम्हारे आसपास लोग बहुत पढ़े हैं। चलो ठीक है, तो देखो बाइनरी सिस्टम मतलब 1 और 0। ठीक है, तो जैसा हिंदी, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं, बराबर। हाँ। उसी तरीके से बाइनरी भी एक भाषा है। ओके, लेकिन ये सबसे सिंपल वाली है। ठीक है, हाँ। बाइनरी के ऊपर जो है बाकी सब भाषाएं बनी, क्यों? क्योंकि तुम और मैं, बाइनरी में क्या है ना, अच्छा चलो मैं और सिंपल करता हूँ। अच्छा अभी देखो तुम्हारे स्क्रीन पे दो तुमको बल्ब दिख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का, एक येलो कलर का। हाँ सर। ब्लैक वाले को अपन बोल रहे हैं बल्ब बंद है तो ब्लैक दिखेगा, चालू है तो येलो दिखेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा हाँ। अभी देखो अगर मान लो मेरे पास एक ही बल्ब है तो मैं उस बल्ब के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो बल्ब चालू है या बंद है। हाँ। बराबर, कुछ और कर सकता हूँ? आधा चालू आधा बंद हो सकता है क्या बंद? नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। या तो पूरा बंद पूरा चालू, मतलब एक बल्ब दो चीजें बता सकता है। ओके, बंद है तो बंद को अपन क्या बोलते हैं? 0। हाँ। चालू है तो बोलेंगे 1। ओके, ये अपन ने बना लिया अपने लिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर मुझे किसी को भी बताना है, मान लो तुम्हारे दूर कोई बैठा है और तुम और वो आपस में बात नहीं कर सकते, मान लो मेरा वॉइस म्यूट हो गया, तुम्हारा भी माइक म्यूट हो गया। ओके, अब तुमको मेरे को बोलना है 1। एक आसान तरीका, तुम्हारे पास उंगलियां हैं तो तुम उंगली दिखा दोगे। ठीक है, बट अगर तुम उंगली नहीं दिखा सकते तो तुम मुझे, अगर एक बल्ब चालू होगा तो मैं बोलूंगा 1। ठीक है, और बल्ब बंद होगा मैं बोलूंगा 0 है। तो अब सो सब लोग जो है जानकारी को, ये सबसे बेसिक है। ओके, अब अगर मैं किसी को और कॉम्प्लेक्स तरीके से रखना चाहता हूँ जानकारी, ठीक है, तो एनीवे, सो बिफोर दिस, किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, जानकारी को दिखाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हम लोगों को
एक चीज के दो ही प्रकार हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, ऑन ऑफ, ओके। हाँ सर, किसी भी चीज के दो स्टेट है तो दो स्टेट में ही दिखा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, दो मतलब क्या, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या, टू, ठीक है। इसके लिए बाइनरी सिस्टम सबसे फंडामेंटल है, ठीक। बाकी सब इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटीज बनाई, कैसे बनाया बताता हूँ। अभी देखो, इंग्लिश को अपन बाइनरी से पढ़ते हैं। देखो, लेफ्ट साइड पे ए बी सी डी ई दिख रहा है, ए को दिखाने के लिए पांच, देखो ए को उन लोगों ने क्या किया, चार जीरो और एक वन, क्यों, क्योंकि 26 अल्फाबेट है, ओके। एक बल्ब क्या दिखा सकता है, अगर सिर्फ दो अल्फाबेट हो तो मैं बोलता बंद बल्ब चालू है तो ए बोल दो, बंद है तो उसको बी बोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, 26 अल्फाबेट है प्लस उसके बाद 0 to 9 नंबर्स भी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पांच बल्ब उठाए और बोला ए दिखाऊंगा तो मैं 0001 मतलब ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है कि वो एन वाला भी सीरीज दिखा दिया, शुड हैव रिमूव्ड इट, बट एनीवे। सो अपन इधर आ जाते हैं, देखो एन ओ पी क्यू आर दिख रहा है, उसके बाजू में दो वन 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 जीरो दिख रहा है, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, जीरो को बोल दिया बल्ब बंद है। अब ऐसा सोचो कि मुझे अगर किसी को एन बताना है तो मुझे पांच बल्ब लगेंगे, जिसमें से कि मैं पहला वाला बंद रखूंगा, उसके बाद इतनी चालू रखूंगा और पांचवा बंद कर दूंगा, ठीक है। अब ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, उसके पीछे का फंडामेंटल ये है कि इस तरीके से मैं जानकारी को, जितनी ज्यादा जानकारी दिखाना चाहता हूं मुझे उतने ज्यादा बल्ब लगेंगे, क्योंकि एक बल्ब सिर्फ दो स्टेट दिखा सकता है, तो दो बल्ब कितने दिखाएंगे, चार, ठीक है। और तीन बल्ब होंगे तो कितने दिखाएंगे, कोई नहीं, वापस करते हैं। एक बल्ब के दो स्टेट, ऑन और ऑफ, करेक्ट है। हाँ, हाँ। दो बल्ब हुए तो ऑन ऑन, वापस से मेरे साथ बोलो, ऑन ऑन, दोनों ऑन हो सकते हैं, दोनों ऑफ हो सकते हैं, एक ऑन हो सकता है और एक ऑफ हो सकता है, करेक्ट है। पहला ऑफ दूसरा ऑन और पहला ऑन दूसरा ऑफ, तो चार स्टेट बनी ऐसी, करेक्ट। अगर तीन बल्ब होंगे ना, अच्छा कभी किसी ने 2 का पावर पे 3 चढ़ा के देखा है क्या, कैसे होता है, 3, ओके कोई बात नहीं। मतलब ये कैसा हो गया कि हर बार जो चीजें हैं वो डबल हो रही है। तो अगर मान लो 3 है तो मेरे स्टेट कितने हो गए, 8, ठीक है। अगर 4 बाइनरी वैल्यूज हैं, मतलब 4 बिट, एक बल्ब अपना 1 बिट था, 4 बिट है मतलब 4 बल्ब, मतलब हर बल्ब के दो स्टेट ऑन ऑफ, करेक्ट है। हाँ। तो 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16, परफेक्ट। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा ऐसा, 16, 32, 64, ठीक है, ये आपका बिट्स है। अब इस तरीके से जब मैं 8 बिट बना लेता हूँ ना, मतलब 8 मैंने ऑन ऑफ स्टेट बना ली, 1 0 का कोई एक वैल्यू, इन 8 को एक साथ बंडल करके मैं बोलता हूँ ये बन गया मेरा एक बाइट, BYTE, नहीं वो खाने वाला होता है, ठीक है, BYTE वाला बाइट बन गया। कितने लगाए मैंने, तो 8 लगाए, ठीक है। अच्छा कौन है, तो हाँ 8 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को कितना आता है बताओ, कौन करेगा, चलो 2, 16, 32, 64, 128, 256, परफेक्ट, जो भी कर रहा था एकदम परफेक्ट किया। तो देखो 256 मतलब अगर मैं एक बाइट में अलग अलग चीजें, मतलब 256 अलग अलग वैल्यूज दिखा सकता हूँ ऑन ऑफ करके, बराबर है। हाँ सर, 256 अलग अलग स्टेट्स बनेंगी, करेक्ट। मतलब क्या हो गया कि मैं अगर कुछ स्टोर करना है तो अगर मुझे नाम, चलो मैं बोलता हूँ मुझे नाम रखना है, हर बच्चे का नाम मैं 8 बिट्स में स्टोर करूंगा,
तो मैं 256 नेम स्टोर कर सकता हूँ एक बाइट में। ठीक है, तो क्या हो गया, एक स्टेट दो स्टेट, 8 बिट मिलाया तो एक बाइट। ठीक है, एक बाइट में 256 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सिनेरियोस बोल लो या स्टेट्स बोल लो। ठीक है, अब ऐसे ही 1024 बाइट्स को मिलाते हैं ना तो 1 किलोबाइट बनता है। किलो तो बराबर ना 1000 के उसमें बनता है, मालूम है सबको, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। हाँ सर। तो उसी तरीके से अपने बिट्स और बाइट्स के केस में, कंप्यूटर के केस में 1000 का मतलब 1024। ठीक है, तो एक बिट 8 बिट मतलब एक बाइट, एक 1024 ओके, ये याद कर लो एकदम ओके। 1024 जो है बाइट्स अगर होंगी तो 1 किलोबाइट बन गया, और 1024 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट बन गया, और 1024 मेगाबाइट मतलब 1 गीगाबाइट बन गया, और ऐसा 4 गीगाबाइट जोड़ा तो तुम्हारा मेमोरी बन गया फोन का। बराबर, अभी तुम्हारे फोन में बल्ब फिट होता है क्या? तुम्हारे फोन में 4 गीगाबाइट जितना मेमोरी है, बराबर? तुम्हारे फोन के अंदर एक भी बल्ब फिट होगा क्या? इतनी जगह है क्या तुम्हारे फोन कि इतने सारे बल्ब उसके अंदर होंगे? नहीं। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा है क्या? प्रखर, समय, किसी को भी डाउट, कुछ भी? ओके, डाउट रहेगा तो पूछना। ठीक है, ओके। तो देखो, ये पहला कंप्यूटर था, ओके, और इसमें 4 GB नहीं था, इसमें 4 किलोबाइट मतलब जितना मेमोरी आज तुम्हारे फोन में है, अश्विनी के फोन में है, उससे 40 लाख टाइम्स कम मेमोरी इसके पास था। बट देख रहे हो ये कितना बड़ा था? क्यों इतना बड़ा था? क्योंकि इनको जो ये 1010 ना, ये लोग भी बल्ब जैसा आइटम लगा लगा के स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब इतने सारे बल्ब लगाने से, तो बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा, जगह घेरेगा, करेक्ट? तो ओवर इयर्स हर साल, अब ये कैसा है, ये था 1950s 1960s, उसके बाद क्या हो गया, हर साल इसका साइज ना हाफ होता है। अब कैसे साइज हाफ हो गया, मतलब कम जगह में अपन बिट्स एंड बाइट को छोटा करते जा रहे हैं। पहले उसको स्टोर करने के लिए एक बल्ब जितना बड़ा सेमी कंडक्टर यूज करते थे, ठीक है, सेमी कंडक्टर थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ओके। तो हम लोग जो है इसको जब स्टोर करते थे इन्फॉर्मेशन को, ओके, तो उसको स्टोर करने के लिए पहले अगर हमें एक बल्ब जितना बड़ा यूनिट लगता था, अब उस बल्ब का एक छोटा सा मतलब तुम्हारे सुई के तुम्हारे हेयर से भी कम जगह में हम उतनी मेमोरी स्टोर करते इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाए। ठीक है, कितनी सारी जगह है, हैं? और यहाँ पे 64 KB भी नहीं है, ओके? तो क्यों इतना फर्क आ गया, ये डिस्क इतना छोटी सी जगह में इतना जानकारी कैसे आ गया? क्योंकि हर साल हम लोग सीखते जा रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम से कम जगह में स्टोर करें। बराबर, वो देखा है क्या, पहले जो है बच्चे लोग जब बड़े छोटे रहते हैं, सब लोग जब पहली बार आप ABCD लिखते हो, पूरे स्लेट पे सिर्फ A लिखते हो, बराबर है, करेक्ट? हाँ। फिर उसके जब आज जब आप A लिखते हो, कितनी जगह लेते हो? बहुत कम जगह में लिख देते हो ये, बराबर? आज आप एक कॉपी के पूरे पेज पे पूरा एक ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको आ गया कम जगह में कैसे लिखना है छोटा छोटा, करेक्ट? तो बस वही हम सीखते जा रहे हैं, ताकि हम कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रख सकें। तो
उससे क्या होता है, सब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो अश्विनी के फोन में हम 4000 मेगाबाइट जितना जानकारी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हर साल जो प्रेडिक्शन जो बोलता है, जो थंब रूल है, वो ये है कि हर 2 साल में ये चिप का साइज हाफ हो जाता है, ठीक है। तो मतलब 1970 से हर 2 साल में साइज हाफ होता जा रहा है, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, ऐसे करके छोटा होता जा रहा है। मतलब कम से कम जगह में ज्यादा ज्यादा जानकारी स्टोर कर पा रहे हैं। तो आज से 5 साल बाद आपके फोन में 40 GB मेमोरी होगा, या शायद 400, ठीक है, दोनों पॉसिबल है, ओके, ठीक है। कोई सो गया क्या, कोई ऐसा जिसको नींद आ रही है, चलेगा, वेट करेंगे पर उसका, ओके, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं, अच्छा ये तो सबको पता है, एकदम लेटेस्ट स्क्रीन है, ठीक है, फोन का, बराबर, यस सर, अच्छा, ओके, अच्छा प्रखर, ये तुमको यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है सबसे नीचे, यस सर, ओके, कीबोर्ड से क्या करते हैं अपन, सर टाइप करते हैं, ओके, अपन उसको बोलेंगे इनपुट, ठीक है, इनका इनपुट मतलब क्या, रखना, इन मतलब अंदर रखना, अंदर दे रहे ना, इसके इनपुट है, ठीक है। अब एक बात, तुम कीबोर्ड से, अच्छा और कैसे कैसे इनपुट दे सकते हो, और हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन, हाँ रिकॉग्निशन छोड़ दो, अभी तुम आगे एडवांस करेंगे, वॉइस अंदर डाल सकते हो, जब तुम वॉइस मैसेज भेजते हो तो तुम इनपुट दे रहे हो, करेक्ट है, यस, जब तुम टाइप करते हो तुम इनपुट दे रहे हो, जब तुम फाइल भेजते हो इनपुट दे रहे हो, हाँ। और भी आप और कुछ बोल रहे थे, स्मार्टफोन इज आल्सो इनपुट एंड अनदर ऑप्शन, हाँ, और क्या इनपुट इंफॉर्मेशन है, टेल मी, और क्या इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन इनपुट, वॉइस हो गया, टेक्स्ट हो गया, कैन यू इनपुट अ वीडियो, यस सर, कैन रिकॉर्ड अ वीडियो एंड सेंड, राइट, यस सर, करेक्ट, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, मतलब वीडियो भी इनपुट कर सकते हो, करेक्ट। अभी अगर मैं ये अपने सेशन में मैं मेरा वीडियो ऑन करूंगा तो मैं वीडियो का इनपुट दे रहा हूँ, करेक्ट है, हाँ। दूसरा क्या है कि एक बार बताओ, जब तुम अपना व्हाट्सएप खोलते हो तो तुम्हारे जो पुराने कॉन्टैक्ट हैं, तुम्हारे जिनको कल तुमने मैसेज किया था, ओके, तुम्हारे जो पंकज सर हैं, इनके जो मैसेजेस होंगे तुमको, ये सब दिखता है ना पुराना भी, नया तो दिखता है, ये पुराना भी दिखता है ना, तो पुराना दिखने के लिए फोन में कहीं, अब फोन तो तुम रात में साइड में रख देते हो, कभी बंद कर देते हो, लेकिन जब फोन चालू करते हो तो वापस आ जाती है वो जानकारी, बराबर, क्योंकि वो जानकारी किसी ने स्टोर की है फोन में, करेक्ट, बराबर है, ओके। अब ये जो आप फोन में स्टोर करते हो, कहाँ पे स्टोर होता है, तुम्हारा फोटो वीडियो सब, ये उसी 4 GB में जाके स्टोर हो जाता है, जो 4 GB तुम्हारे फोन का मेमोरी है, ठीक है, ओके, यस सर, अच्छा इसके बाद आता है प्रोसेसिंग। अभी जब तुम कोई फोटो लेते हो, फोटो एडिटिंग किस किस ने किया, अश्विन तुम फोटो अपना खींचने के बाद उसको बढ़िया से जाके एडिट करते हो क्या, सर आई आल्सो हैव एडिटेड, हाँ ओके, तो सब लोग एडिटिंग करते हैं ना फोटो की, वीडियो की, यस सर, तो ये जो आप एडिटिंग करते हो दिस इज प्रोसेसिंग, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसा, इसमें देखो जब फोटो को क्रॉप करते हो, छोटा कर देते हो, करेक्ट है, उसमें देखते हो कि अरे ये किसका हाथ आ गया, इसका हाथ कट कर देता हूँ, तो हाथ कट करके तुम फोटो सेव कर लेते हो, तो पुरानी फोटो खत्म हो जाती है, डिलीट कर दी अपन ने, ठीक है। तो वो जो कटिंग कर रहे थे उसमें किसी ने उसका लॉजिक लिखा, ये जब कट करने जाएगा तो इसमें से इतना हिस्सा कट कर देंगे, बाकी हिस्सा कट नहीं करेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर दिखना चाहिए, तो इसको प्रोसेसिंग। और लास्ट चीज़ है आउटपुट, जब मैं यहाँ से मैसेज भेजता हूँ वो इनपुट है, वो मैसेज को व्हाट्सएप अपने सिस्टम में लेता है, स्टोर करता है, और तुम्हारी स्क्रीन पे जब हेलो लिखता है ना, वो आउटपुट है, ठीक है। ये टर्म्स क्लियर है क्या सबको, यस सर, ओके, यस सर, अच्छा अभी मुझे एक और चीज बताओ, चलो अभी इनपुट में, अभी किसी के फोन में थंब से अनलॉक होता है क्या, फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है क्या फोन,
चलो कोई नहीं। अच्छा किसी के फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है क्या? शुभम प्रखर आदित्य अश्विनी। यस सर। हाँ तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि देखो इनपुट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इरादा ये है कि तुमको हर सिस्टम नॉट इन फोन। ओके नो वरीज। ओके सो देखो, अच्छा कौन से ऐप्स यूज करते हो आप मुझे वो बता चलो। व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ओके वेरी गुड। और फेसबुक ओके। ट्विटर और स्नैप। स्नैपचैट वेरी गुड। स्नैपचैट वाला कौन है? व्हाट्सएप। अरे वाह व्हाट्सएप तो हो गया, और बताओ। गूगल। गूगल वेरी गुड। यूट्यूब। यूट्यूब करे। और गूगल क्रोम सर। गूगल स्लाइड। टेलीग्राम। टेलीग्राम। इंस्टा। ओके गूगल मीट। हाँ गूगल मीट करेक्ट। सो देखो अच्छा अभी चलो इनको अपन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखते हैं। अच्छा व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, चैटिंग। हाँ बराबर। और इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हो? चैटिंग। चैटिंग अरे तुम सब में चैटिंग बोलोगे तो कैसे चलेगा यार हैं? इंस्टाग्राम में क्या है? पोस्टिंग। पोस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं हमारे फोटोज। अच्छा चलो रील्स वीडियो बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं? रील्स वीडियो बना सकते हैं। हां रील्स वीडियो बना के फिर क्या स्टेटस भी रख। स्टेटस भी रख सकते हो। चलो ठीक है स्टेटस तो तुम व्हाट्सएप पे भी रख सकते हो। दोस्तों कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? फ्रेंड्स बना सकते हैं। बट फ्रेंड्स बनाने के लिए उसके एक से पहले क्या होता है? जब तुम इंस्टाग्राम में लॉग इन करते हो तो क्या होता है? क्या दिखता है? हमारी फोटो दिखती है किसी और की फोटो दिखती है? लॉग इन करके देख रहे हो क्या? इंस्टाग्राम में जब लॉग इन करते हो तो क्या दिखता है सर? पोस्ट दिखते हैं। हाँ वो पोस्ट तुम्हारे होते हैं किसी और के होते हैं? किसी और के भी होते हैं। करेक्ट। तो अच्छा चलो अब अपन आ गए इस पे कि किसी और के पोस्ट तुमको दिख रहे हैं, बराबर है ठीक है। तो वो sir. क्या हो रहा है? तुम किसी और के इनपुट को आउटपुट के फॉर्मेट में देख रहे हो। करेक्ट। अब तुम्हें किसके पोस्ट दिखते हैं? वो तुम्हारे दोस्त होते हैं क्या? हर बार अनजान लोग भी होते हैं। कोई भी रहता है ना। अब उसको कैसे पता तुम? अब तुमको जो दिखाता है वही मेरे को भी दिखाता है क्या? सबको अलग अलग दिखाता है ना। यस सर। यस सर। बराबर। क्यों दिखाता है अलग अलग? मालूम नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो अच्छा चलो अभी अपन आते हैं यूट्यूब पे। इसको भूलना नहीं, ये स्टेटमेंट अभी याद रखो ठीक है कि अभी सबको अलग अलग दिखाता है। क्यों दिखाता है नहीं पता, अलग अलग दिखाता है ठीक है। अच्छा अभी यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे जब वीडियो दिखाता है तो सबके स्क्रीन पे अलग अलग वीडियो आते हैं। मेरे इस पे अलग आएगा, हमारे इस पे अलग आएगा। क्यों अलग दिखता है? क्योंकि सब अलग अलग आएगा। क्या 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 कोई तो बोल रहा था, बोलो बोलो कैसे बोलो। सब अलग अलग दिखते हैं। हाँ क्यों दिखता है सर? सर्च अलग अलग करते। हाँ वेरी गुड। तो जब तुम सर्च में जाके टाइप करते हो ना कुछ, तो वो क्या है? वो तुम्हारा इनपुट है। उससे क्या पता चलता है कि अच्छा चलो अभी मान लो अगर प्रखर ने वहां जाके लिखा कि मैं वहां जाके ये पढ़ना चाहता हूँ या ये देख रहा हूँ कि भाई मे बी चलो मैंगोज लिखा प्रखर ठीक है, तो आम लिखा, तो YouTube ने क्या स्टोर कर लिया कि भाई प्रखर जो है वो आम के बारे में बहुत सवाल पूछता है, तो हो सकता है प्रखर को आम में इंटरेस्ट है। तो क्या किया प्रखर ने? इनपुट क्या दिया? आम। YouTube ने क्या स्टोर कर लिया? प्रखर आम, बराबर। उसको स्टोर कर लिया और उसको प्रोसेसिंग लगाया कि प्रखर ने आज आम ढूंढा था, कल संतरा ढूंढा था, उसके दो दिन पहले पाइनएप्पल ढूंढा था, उसके चार दिन पहले एप्पल ढूंढा था। मतलब ये प्रखर को ना फ्रूट्स में इंटरेस्ट है, बराबर। यस सर। ये उसने क्या किया? प्रोसेसिंग किया। ओके प्रोसेसिंग, उसने दिमाग प्रोसेसिंग लगाना मतलब दिमाग लगाया। अब ये तुमने नहीं बताया ना, अगली बार जब प्रखर लॉग इन करेगा ना वो उसको पपीता दिखाएगा,
क्यों? क्योंकि प्रखर को फ्रूट वाला वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर तुम में से किसी को मान लो इंस्टाग्राम में भी जब तुम किसी का वीडियो या रील या फोटोज देखते हो, ठीक है, तो वो देखता अच्छा ये पर्सन जो है वो बहुत बढ़िया बाइक चलाता है और ये अपने बाइक के ऊपर बैठ के वीडियो रील बना बना के डालता है या डांस करके रील बना के डालता है। और अगर आप अश्विनी हर बार डांस वाले रील देखती है तो उसको जो भी जिसका भी डांस वाला रील नया आया होगा जो उसका पॉपुलर हो रहा होगा वो अश्विनी को पसंद आएगा, ऐसा इंस्टाग्राम गेस करता है। ओके, इसमें इनपुट क्या हुआ? जो अश्विनी ने पहली बार सर्च किया या जिसके रील को चार रील दिखाया, एक रील सिलेक्ट किया अश्विनी, तो वो इनपुट हो गया ना, क्योंकि तुमने बताया बराबर। अच्छा चलो, कौन कौन गया दुकान में कभी कपड़ा खरीदने के लिए, शर्ट टी शर्ट साड़ी कुछ भी? क्या होता है, हाँ, जब आप दुकान में जाते हो दुकान वाले को आप बोलते हो कि भैया मेरे को ना एक शर्ट दिखाओ, तो पूछता है अच्छा ठीक है, शुरू में तुमको पांच शर्ट दिखाता, तो बोलते मेरे को ना एक काला रंग मत दिखाओ, येलो रंग कलर मत दिखाओ, रेड कलर मत दिखाओ, तो क्या करता है कि वो स्टोर कर लेता है अपनी जानकारी कि ये तीन नहीं दिखाने, रेड वाला दिखा। हाँ, तो वो हर बार क्या करेगा, जो अब तुमने छोड़ दिया ना वो तुम्हारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से, इनको हम बोलते हैं प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस मतलब तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा अब ये जो है ना तुम्हें खुद नहीं पता हो, ओके, ये चीज जो है वो लोग दिमाग लगा कर स्टोर कर रहे हैं, ठीक। तो जब भी तुम किसी ऐप को देखो तो हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि तुम उसमें इनपुट क्या दे रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा क्या डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। तीसरा, वो डेटा को स्टोर करके अगली बार जब तुम लॉगिन करते हो तो वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुमने प्रीवियसली उसको इनपुट दिया और उसने उसको कैसे कनेक्ट किया, ठीक है। तुम कभी अगर जाके गूगल पर सर्च करोगे कि मेरे को नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो जब तुम फेसबुक में लॉगिन करता हो तुमको अपने आप मोबाइल फ़ोन का ऐड आता है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक हैं। कैसे लिंक हैं? क्योंकि तुम इसको हर चीज़ को जो भी तुम्हारा एक्शन है वो ये चार में ही आता है, या तो तुम इनपुट दे रहे हो और तुम्हारे इनपुट को सामने वाला स्टोर करके उसको प्रोसेस करके तुम्हें आउटपुट दिखा रहा है, चाहे अभी दिखाए चाहे बाद में दिखाए, और हर बार जब तुम नए इनपुट देते हो वो पुराने इनपुट को स्टोर करके रखते हैं। फेसबुक याद रखता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, हर बार जब जाते हो तो नए फ्रेंड दोबारा बताने के लिए नहीं बोलता, उसकी मेमोरी है, याददाश्त है उसकी, ठीक है। तो स्टोर करना, ओके, इनपुट देने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं वो अभी अपन देखेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया है यहाँ तक, कोशिश ये है कि तुम लोग जो है कोई भी ऐप देखो ऐप को तुम लोग के चार हिस्सों में ब्रेक कर सको कि अच्छा इसमें मैं इनपुट क्या देता हूँ। इंस्टाग्राम में इनपुट क्या देते हो, जैसा बोला रील डालते हैं, फोटो डालते हैं, स्टेटस देते हैं, मतलब टेक्स्ट देते हैं, वीडियो देते हैं, फोटो देते हैं, ओके, ये तीन हमारे इनपुट होते हैं। बट इसके अलावा हम एक और चीज़ इनपुट देते हैं कि कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में दे रहा, ठीक है। आप अपने बारे में बताते हो कि भाई मैं एक मेल हूँ, मैं, मेरी एज ये है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं ये फोटो डाल रहा हूँ, करेक्ट। और उसको ऑलरेडी मुंबई, उसको क्या पता चल गया, कल को अगर मुंबई में अच्छा पानी गिरेगा तो, और मुंबई में वो तुमको बताएगा कि देखो मुंबई में पानी गिरेगा, क्यों? क्योंकि तुम मुंबई में रहते हो, बराबर। तो तुम्हारे इनपुट के बेसिस ये सारे ऐप्स ढलते हैं, ओके। एनीवे, तो अब अपन क्या करेंगे, अच्छा तुम में से कौन से टूल्स के अभी तक तुम लोगों ने सीखे हैं? फिगमा का एक मैंने देखा था वीडियो, और कौन सा टूल है जो किसी ने पाइथन नोड जेएस क्या क्या सीखा है बताओ? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, ओके। और अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, C++, C++ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, HTML करेक्ट। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्लासेस तुम लोगों को आई एम श्योर के पंकज हो गए, नीतीश हो गए, सिमरन यूरोप करवाते हैं। इरादा ये है आज के अपने डिस्कशन का कि तुमको जब भी कोई एक कोई सेशन ले तो तुमको ये देखना है कि इससे मैं क्या चीज़ बिल्ड करता हूँ, क्या ये मुझे इनपुट देने में हेल्प करती है, क्या अच्छा इनपुट देने में, या ये चीज़ मेरे को स्टोरेज में हेल्प करती है कि मैं जानकारी को कैसे बहुत अच्छे से
कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानकारी स्टोर करूँ, या ये चीज मुझे उसके ऊपर जानकारी के साथ कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, ओके, प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प करती है या मेरा आउटपुट दिखाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपना इरादा है, हो सकता है तुम लोग कर पाओ, नहीं कर पाओ तो अपन दोबारा करें, ठीक है। तो देखो इनमें से कुछ चीजें तुमने सुनी होंगी, ओके, करेक्ट? यस सर। तो देखो हर चीज को मैंने उससे मैप किया कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जैसे इनपुट जो है, जैसे फिंगरप्रिंट का इनपुट दे सकते हैं, बराबर, जब तुम्हारा आधार बनता है तो तुम फिंगरप्रिंट देते हो, आधार से लिंक हो जाता है, तो एक मशीन होती है जो तुम्हारा फिंगरप्रिंट लेती है, आजकल फोन में भी आ गया, ठीक। तो लोगों ने फोन को इनपुट लेना चाहिए, फिर तुम वॉइस भेज सकते हो, करेक्ट, व्हाट्सएप पे मैं आपको वॉइस मैसेज भेज सकता हूँ, वीडियो भेज सकता हूँ, फोटो भेज सकता हूँ, करेक्ट है? यस सर। अब फोटो जो है मैं तुम अपना भेज सकते हो, मेरा फोटो भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, करेक्ट। उसी तरह से वीडियो में तुम क्या करोगे, कहीं से वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, ये सब अलग अलग सिनेरियो है, बट ये सब इनपुट है, ठीक है। तो कल अगर तुम्हें कोई सिखाता है कि भाई तुम कैसे अपना जो रॉ फुटेज होगी उसको एडिट करके यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हो, ठीक है, साउंड और वीडियो को मर्ज कैसे कर सकते हो, वो सब एडिटिंग है, उसका पर्पज क्या है कि तुम यूट्यूब में अच्छे से डाल सको, अच्छा वीडियो डाल सको, इनपुट तुम्हारा जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब तुम स्टोरेज की, स्टोरेज पे अभी अपन नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल है, बट तुमको अगर कल कोई बोलता है जैसे जावा जहाँ लिखा है उसी वहीं पर सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें अपन लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। लॉजिक क्या है, ओके, ठीक, चलो लॉजिक पे आएंगे अपन दोबारा। आउटपुट जो है ना सबसे इजी काम, इनपुट और आउटपुट सबसे आसान है, कि स्क्रीन पे मेरे कैसा क्या दिखेगा, किधर पे बटन बनाना है, किधर पे ये लगाना है, ओके, इंस्टाग्राम के फोटो के नीचे नाम लिखना है या फोटो के ऊपर नाम लिखना है, वो जो डिज़ाइन करते हैं उसके लिए कई लोग फिग्मा यूज करते हैं, करेक्ट। जो तुम कई बार फेसबुक पे पोस्ट देखते हो, पोस्टर देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसमें बहुत कुछ कैनवा पे होता है, जो लोगों की वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए वो लोग HTML, CSS ये सब यूज करते हैं। ये सब का पर्पस है कि जो आउटपुट दिखता है ना वो थोड़ा सुंदर दिखे, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होगा कि तुम अपना जैसा तुमको दिखेगा, अच्छा चलो सबसे घटिया ऐप कौन सा यूज किया सब, चलो वो बताओ कौन सा ऐप है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, टिकटॉक, अच्छा टिकटॉक पसंद नहीं आया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा सर? अच्छा था, हाँ मुझे तो अच्छा ही लगता था टिकटॉक, बहुत अच्छा लगा, हाँ सर बहुत अच्छा था, वो वीडियो बनाने में मजा आता था, मजा आता है ना, हाँ तो वही अच्छा, लेकिन घटिया कौन सा है आपका, वो बताओ क्या होता है, तेरी माँ की, अरे ऐसा नहीं है, देखो अब अच्छी चीज है उसको मालूम है, वो ऐसी सवाल कर रहा है आपने, ठीक है, एनी पॉइंट ये है कौन सा ऐप है जो तुम लोगों को पसंद नहीं आया, फेसबुक पसंद नहीं आया, चलो ठीक है तुम लोग यार, चलो कोई नहीं, तो पॉइंट ये है कि देखो जूम, कौन सा जूम, जूम जूम, ठीक है बोल सकते हो, करेक्ट। तो गूगल सर, गूगल अच्छा है, गूगल अच्छा है, चलो यस, अच्छा ठीक है। तो देखो मेनली इरादा ये है कि अभी अपन क्या करेंगे, इसके बाद कोई भी एक ऐप उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग उसमें किस टाइप के इनपुट्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तुम क्या क्या इनपुट दे रहे हो ऐप में उससे तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। कि पहली चीज कि अगर कल को तुम्हारे मन में आता है कि भाई तुमको इरादा ये नहीं कि कल को बैठ के तुम लोग ऐप बनाने लगे, इरादा ये है कि तुम लोग किसी भी ऐप को देख के तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम्हें नहीं बनाना है तो फर्क नहीं पड़ता, बट है बहुत सिंपल चीज, ठीक है। और कोई भी बैठ के पूरा ऐप बनाने के लिए 50 लोग लगे होते हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब व्हाट्सएप आप, मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे आपको हेलो भेजता हूँ,
तो पहला स्टेप होता है कि मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ टेक्स्ट में व्हाट्सएप, व्हाट्सएप वो हेलो को लेके स्टोर करता है पीछे, ओके, अपने गीगाबाइट किलोबाइट जो भी उसका स्टोरेज है। उसके बाद वो ढूंढता है एक लिस्ट में कि भाई ये फ़ोन नंबर में इसके कॉन्टैक्ट में ये आदमी कहाँ है, ओके, और उस वो कौन से डिवाइस पे ये व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तुमने कभी ऐसे आदमी को मैसेज किया जो व्हाट्सएप पे है ही नहीं? क्योंकि व्हाट्सएप अलाउ ही नहीं करता है। अगर मान लो कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ और तुम्हारे पास एक आदमी का फ़ोन नंबर है और तुम उसके नंबर पे व्हाट्सएप भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप पे लिस्ट में आदमी का नाम ही नहीं आएगा। हाँ तो भैया जब तू मैसेज भेज रहा है तो उस टाइम पे सोच व्हाट्सएप में तो कितने लोग हैं, करेक्ट? यस सर। तो हर रन टाइम पे व्हाट्सएप उस फोन नंबर से अपने पूरे डेटाबेस में सर्च करता है कि ये आदमी है कि नहीं है मेरे पास, और तुमको जवाब दे देता है। ये जवाब देने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? बराबर 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत हो गया, 5 मिनट तो फोन उठा के फेंक देगा। 5 मिनट तक तेरा व्हाट्सएप स्टैटस दिखाता रहेगा सेकंड में सर, सेकंड्स में, ठीक है? मतलब अच्छा अभी किसी को पता है व्हाट्सएप की टोटल पब्लिक कितनी है, कितने यूजर हैं व्हाट्सएप के? मोर देन 20 मिलियन? नो नो नो, व्हाट्सएप के इंडिया में 400 मिलियन यूजर है। 1 मिलियन मतलब अश्विनी आपको पता है कि 1 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़। 1 मिलियन मींस 10 लाख। परफेक्ट। तो 10 लाख मतलब ये क्या हो गया ना, ये सब यूएस से हम सबको मिलियन मिलियन की आदत लग गई है, ठीक है? इंडिया में क्या चलता था, लाख और करोड़। लेकिन क्या है, इंडिया में लोग ज़्यादा है ना, तो करोड़ बड़ा नंबर हो गया और मिलियन छोटा, लाख बहुत छोटा, तो इसलिए मिलियन चल गया। एनीवे, सो इंडिया में 40 करोड़ लोग हैं व्हाट्सएप के, सिर्फ इंडिया में। तो मतलब जब भी तुम किसी का नंबर डालते हो व्हाट्सएप को, वो नंबर 40 करोड़ लोगों की लिस्ट में से सर्च करके तुमको बता देना है कि है कि नहीं है। और इसके लिए उसको कितना टाइम देते हो तुम? 1 सेकेंड। बराबर? यस सर। तो उसको बैकएंड में उतनी प्रोसेसिंग एबिलिटी बिल्ड करनी है, चाहे वो जावा यूज करे, सी प्लस प्लस लिखे, क्या लिखे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलते भाई मेरे को तो ढूंढ के बता दो 1 सेकेंड में कि है कि नहीं है, करेक्ट? यस सर। सो पॉइंट ये है कि अब ये चीज़ जब वो ढूंढ लेता है, उसके बाद तुमको बोलता है अब आप मैसेज करो। उसके बाद तुम्हारे सारे मैसेजेस वो स्टोर करके रखता है, फोटो स्टोर करके रखता है, अरे, और तुम्हें हर बार वो चीज़ को जब भी तुम एक्सेस करना चाहते हो तुम्हें रिलीज प्रोवाइड करता है, ठीक है? सिमिलरली चलो अब ये आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज और इनपुट, किसी भी ऐप में तुमको ये बताना चाहिए कि इनपुट तुम क्या देते हो और क्या क्या दे सकते हो, ठीक है? वो क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है? उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो क्या क्या प्रोसेसिंग करता है और तुम्हें आउटपुट कैसा दिखाता है। तो व्हाट्सएप में आउटपुट दिखाने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका आउटपुट में बहुत मेहनत की, ठीक है? लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत मेहनत किया हुआ, तुम जब रील बना के डालते हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें तुम्हारी रील ही नहीं 50 लोगों की रील दिखाता। अब उसको दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे इस बंदे को किसका आउटपुट दिखाना, ठीक है? अच्छा अभी फेसबुक सबके पास है ना? यस सर। नो सर। नहीं है, चलो कोई। यस सर। अच्छा चलो अपन सिंपल उठाते हैं, पहले गूगल उठाते हैं। गूगल में जो आप सर्च करते हो, करेक्ट? यस सर। अब वो जब वेबसाइट खोलते हो तो सबको एक जैसी दिखती है, ब्लैंक पेज के ऊपर बीच में गूगल लिखा हुआ, करेक्ट है? लेकिन जब आप सर्च करते हो तो तुमको सेम क्वेरी का तुमको अलग आंसर आएगा, मेरे को अलग आंसर आएगा, अश्विनी को अलग आंसर आएगा, हो सकता है, अगर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सर्चिंग, ठीक है? बट उसमें इनपुट सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट दे सकते हैं। गूगल में कुछ और इनपुट दे सकते हो क्या? वॉइस। हाँ वॉइस किसी ने ट्राई किया क्या? हेलो गूगल बोल के ट्राई किया क्या किसी ने? ज
जब आप सर्च करते हो, अच्छा अभी आप जो इनपुट देते हो आप सिर्फ एक ही भाषा में दे सकते हो कि आप हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में भी दे सकते हो? हाँ चलो हाँ सब लैंग्वेज ठीक है ओके। सो वंस यू गिव इनपुट उसके बाद क्या होता है? कौन सी उसके बारे में जो तुमने सर्च किया, अगर जाके तुमने लिखा सुपरमैन ठीक है तो सुपरमैन के बारे में बहुत सारी जानकारी दिखाता है, बराबर है करेक्ट? तो देखते हैं क्या दिखाएगा, ठीक है पहले गूगल करते हैं। अच्छा ये क्या आता है मालूम है क्या सबको? गूगल एएफक्यू ठीक है। नहीं देखो गूगल क्या करता है, वो इस पेज पे कुछ नहीं रखता, खाली रखता है इस पेज ठीक है, और यहाँ पर तुमको बताता है कि देखो मैं कुछ भी नई जानकारी के बारे में, जैसे अगर अगर 15 अगस्त को देखोगे तो ये तिरंगे के कलर में आएगा ठीक है, दिवाली पे देखोगे तो इधर पटाखे चलते हुए आएंगे, ऐसा कुछ कुछ वो बताता रहता अपने लोगों से। आज काला क्यों दिख रहा है? आज काला क्यों दिख रहा है? उसके ऊपर जाएगा ना तो तेरे को बताएगा, देख मार्गरीटा हैक 99th बर्थडे, उसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो बताएगा मार्गरीटा हैक कौन है करके। तो ये इटालियन, ये कोई लेडी थी जो इटालियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी, साइंटिस्ट थी ठीक है यस सर। इसके लिए उसका, और उसने एक ओके ये धूमकेतु पता है तुम लोगों को, एस्ट्रॉइड, ने एक एस्ट्रॉइड की डिस्कवरी की, इसके लिए वो एस्ट्रॉइड बना के उन लोगों ने, देखो यहाँ पे दिखाया ना कि एक बुढ़िया बैठी है टेलीस्कोप से देख रही है, एस्ट्रॉनॉट स्काई को देखता रहता है ना, इसके लिए। और देखो ये कॉमेट, कॉमेट दिखाया उसने, ये कॉमेट है ठीक है। तो इस तरीके से गूगल दिखाता है ये चीज़। एनी वेज ऑल असाइड, अगर देखो अभी जब मैं इस पर सर्च करता हूँ तो पहले ये मुझे सजेशन देता है, बराबर करेक्ट है? अभी सजेशंस आर बेस्ड ऑन कि मैं यहाँ पे क्या टेक्स्ट दे रहा हूँ, करेक्ट? अभी सजेशंस कहाँ से आते हैं? कहीं तो स्टोर करता होगा, करेक्ट है? अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी उसके पास है वो सारी दे रहा है, मतलब उसने स्ट्रिंग दिया, इसको सर्च किया और उसके बेसिस पर मुझे बहुत सारी जानकारी दी, करेक्ट? सिंपल एनाफ। अब इसमें, yes, sir. अब इसमें yes. कौन सी जानकारी ऊपर आती है और कौन सी नीचे, मतलब ये वाली वेबसाइट ऊपर आई और ये वेबसाइट नीचे क्यों आएगी? वेबसाइट को ज्यादा ये व्यू करते वो आगे आती है। वेरी गुड। सो एक चीज बताओ, अगर मान लो हम सब लोग कोई चीज को ज्यादा बार, एक चीज सुपरमैन जिसने भी प्रीवियसली सर्च किया था उसको गूगल ने पहले 10 लिंक दिए और मान लो अगर सब लोगों ने जाके 5वीं लिंक पे क्लिक किया तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स गूगल 5वीं लिंक को नंबर वन कर देगा, ठीक है? इतना सिंपल सिस्टम है। देखो उसने क्या किया, पहले सारी जानकारी तुमको दे दी, हम सब ने जाके उसको बताया देखो इसमें से ना ये जानकारी बहुत काम की, तो उसने उस जानकारी को सबसे ऊपर कर दिया। गूगल हमसे ही हमारा ही नॉलेज ले लेके तुम्हारा नॉलेज मुझे चिपका रहा है और मेरा तुमको चिपका रहा है, ठीक है? और इतना बड़ा कंपनी है ठीक, बट उसने ये लॉजिक बनाया कि भाई अगर 50 लोग किसी चीज को सही बोल रहे हैं तो ये शायद सही होगी, बराबर ना? हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं ना? यस सर करेक्ट। तो इसलिए देखो उसने 0.98 सेकेंड्स में हो गई है 23 करोड़ सर्च रिजल्ट दे दिए, एक सेकेंड से भी कम टाइम, जिनको उसने ये सर्च कर लिया कि 23 करोड़ सर्च रिजल्ट हैं सुपरमैन नाम से और ये इसमें से ये सबसे ऊपर आना चाहिए, तो उसने रैंकिंग भी बना ली उनका, ठीक है ठीक। तो ये उसका प्रोसेसिंग था पीछे,
उसने 0.98 सेकंड्स में 23 करोड़ रिजल्ट दे दिए इन परफॉरमेंस या रैंकिंग के बेसिस पे कि रेलेवेंस कौन सा ज़्यादा है, किस लिंक का ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया गूगल का वर्जन। अभी सिमिलरली अपन कोई दूसरा ऐप उठाते हैं जो आप लोगों को आता है। कौन सा ऐसा ऐप है जो आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल हो, जिसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो कि उसमें इनपुट क्या देते हैं, वो क्या प्रोसेसिंग लगाता है और आउटपुट में क्या कहता है, कोई भी। चलो बारी बारी से जाते हैं। अश्विनी, आपको कोई भी ऐसा ऐप पता है जिसमें आप ये बता सकते हो? अरे व्हाट्सएप मत करो, व्हाट्सएप तो हो गया। यूट्यूब ले लो, यूट्यूब। सॉरी, हाँ यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब पे हमें जो देखते हैं वो सर्च करते हैं। हाँ, क्या होता है स्टोरी। ओके, और क्या होता है? तो यूट्यूब में इंप्रो को ऐसे मत जाओ, यूट्यूब में क्या होता है नहीं, ये चाहिए अपन इसके बेसिस पे पूछते हैं, राइट। यूट्यूब में इनपुट क्या देते हैं अपन, अश्विनी यूट्यूब में आप क्या डालते हो? हाँ, जो वीडियो देखना है उसके बारे में कुछ लिखते हो, करेक्ट है? यस सर। हाँ, अभी कई बार तुम्हारी स्पेलिंग भी गलत होगी तो भी वो करेक्ट पकड़ लेता है, बराबर। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करता है अगला, जब आप सर्च पे क्लिक करते हो तो सजेशन देता है, नहीं देता है? अलग अलग टाइप के आते हैं वीडियोस जो सर्च करते हैं। हाँ, उसमें ऊपर कौन सा वीडियो आता है, सबसे ऊपर कौन सा वीडियो आता है जो हमने सर्च किया है वो ज्यादा लोगों ने देखा है? हाँ बराबर। और उस वीडियो में और क्या जानकारी होती है, उसमें कुछ कमेंट्स होते हैं, रेटिंग होती है क्या उसकी? लाइक भी होता है, बराबर। लाइक कर देते हैं, हाँ कमेंट्स होते हैं, और क्या होता है, अनलाइक, शेयर, डाउनलोड। अरे तो अब एक बात बताओ, ये सारा यूट्यूब वीडियो स्टोर कहाँ करता है? तुम्हारे फोन में तो नहीं है, बराबर। तो तुम्हारे 4GB में तो नहीं है, तो कहाँ रखता है ये? हाँ हाँ बताओ, क्लाउड पर। हाँ वेरी गुड सर। यूट्यूब में लाइब्रेरी भी होती है, लाइब्रेरी बना सकते हो आप, बट उसके पहले स्टोर कहाँ करता है? चलो गूगल क्लाउड पे करता है, ओके ठीक है। बट अब बताओ कि तुम्हारे को अगर अपने घर पे जाके जानकारी लेकर आनी है, अरे कहीं से भी है ना, तो तुमको कितना टाइम लगता है तुम, और कितनी देर में जानकारी तुम्हारे पास आ जाती है? वैसे आ जाती है ना, टाइम ही नहीं लगता। तो पता नहीं, गूगल तो लग रहा है तुम्हारे घर के ऊपर ही गूगल का क्लाउड है। बिल्कुल, ऐसा मांगो दे देता है, नहीं नहीं सर। हाँ तो कहाँ है फिर? ठीक है, कोई नहीं। तो देखो, लॉजिकली पॉइंट मेरा ये है कि इन सब चीज़ों को कम से कम टाइम में तुम सक्सेस करते हो तो तुम्हें इमिडिएटली रिजल्ट देता है। तुमने इनपुट क्या डाला, तुम क्या देखना चाहते हो, बट उसके साथ साथ जो तुमने इनपुट नहीं दिया और जो उसे पहले से पता है, राइट, उसको पहले से क्या पता है तुम्हारे बारे में, उसे ये पता है ये अश्विनी का फ़ोन। क्यों अश्विनी का फ़ोन पता है उसे? क्योंकि अश्विनी के फ़ोन में क्या है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड को अश्विनी ने अपने एक ईमेल अकाउंट से कनेक्ट किया। यूट्यूब को ये पता है कि ये अश्विनी का फ़ोन है, ओके। उसको पता है अश्विनी की एज क्या है, उसको पता है कि अश्विनी एक फीमेल है, उसको पता है कि अश्विनी ने लास्ट टाइम जो है 2 डांस देखे थे, 4 गाने सुने थे, 1 कार्टून देखा था, ठीक है। अच्छा नहीं देखती, ओके कोई नहीं। मैं वो बता रहा हूँ कि जो आप देखते हो वो अभी आप क्या ढूंढ रहे हो उसके बेसिस पे नहीं, जो आपने पास्ट में भी ढूंढा था उसको भी वो स्टोर करके रखते हैं। तो अच्छा एक बात, जब आप यूट्यूब खोलते हो बिना कुछ सर्च के भी कुछ चीज़ दिखाता है ना वहाँ पे? हाँ सर। वो चीज़ें कौन सी होती हैं जो हम सर्च मारते थे पहली बार मारा था? हाँ, तो मतलब ये है कि वो
जो तुमने पिछली बार इनपुट दिया था या आज तक तुमने जितने भी इनपुट दिए वो सारे इनपुट को स्टोर करके बैठा है और वो सारे इनपुट को ध्यान में रख के वो तुमको दिखा रहा है कि शायद ये वीडियो अश्विनी को अच्छा लगे, इसके लिए वो तुम्हारे होम स्क्रीन पे दे रहा है। करेक्ट, क्योंकि दुनिया में तो करोड़ों वीडियो हैं लेकिन तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे कितने वीडियो दिखते हैं, एक बार में 5 या 6 वीडियो दिखते। तो YouTube ये भी करता है, ये उसकी प्रोसेसिंग है कि वो ये दिमाग लगा रहा है, प्रोसेसिंग मतलब दिमाग लगा रहा है कि भाई YouTube का पैसा कैसे बनता है। चलो सर, व्हेन वी किसी पर्सन का अगर वो एडसेंस लगाया हो और उसने ज्यादा व्यूज 1-2 हज़ार व्यूज पा लिए तो उसे 1-2 हज़ार व्यूज के $1 मिलते हैं। हाँ, मतलब समवेयर राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी व्यूज पे तो जो है क्रिएटर जो कंटेंट बना रहा है उसे मिलते हैं, बट यूट्यूब मेक्स मनी आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक मेक्स मनी आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम मेक्स मनी आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और ये लोग बेच क्या रहे हैं, वीडियोस, कंटेंट, रील, वीडियोस, बेसिकली टाइम पास और कुछ, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ एजुकेशनल है, कुछ एंटरटेनमेंट है, कुछ बकवास है, ठीक है, वो अलग चीज। तो पॉइंट क्या है, इतनी मेहनत क्यों करते हैं वो लोग, इतना खर्चा करते हैं, इतनी इंटेलिजेंस खर्च करके वो लोग एक लॉजिक बनाते हैं, क्योंकि अगर अश्विनी किसी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेंगी तो YouTube का पैसा ही नहीं बनेगा। तो YouTube के भले में क्या है कि वो वीडियो दिखाएं अश्विनी को जिस पे अश्विनी क्लिक करे, बोले यार ये कुछ नया दिख रहा है, ये देखना चाहिए। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे जितने भी करोड़ों वीडियोस हैं उसमें से वो 6 वीडियो निकालने पड़ेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी कि अश्विनी ये 6 वीडियोस में से कोई ना कोई एक तो देखेंगी पक्के से, ठीक है, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा वो, ये उसकी प्रोसेसिंग है, करेक्ट। इसके बेसिस पे तुम्हें आउटपुट देता है, ओके। बाकी जो भी है वो सब टूल्स हैं विच हेल्प यू टू डू वन ऑफ दीज थिंग्स। तुम प्रोसेसिंग का लॉजिक जावा में लिख सकते हो, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, डॉटनेट में, जो लैंग्वेज में लिखना है उससे फर्क नहीं, ठीक है। बट उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग क्या हो, प्रोसेसिंग कर किस चीज़ की है और उससे उसका पर्पस क्या है। YouTube का पर्पस है कि कैसे तुम्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोस दिखाए जिन पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करो। Instagram का सबसे ज़्यादा पर्पस है कि कैसे हर आदमी पूरा दिन भर Instagram पे बैठा रहे, ठीक है, उसके लिए वो वही दिखाता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। इसको देख के तुम्हें लगता है यार मैं Instagram पे नहीं आता तो ये चीज़ कहाँ दिखता, ठीक है। तो ये सब उनके किसी भी ऐप को जब आप देखो तो यू शुड थिंक कि मैं इसमें इनपुट क्या दे रहा हूँ, ये क्या क्या जानकारी स्टोर कर रहा है, उसके ऊपर ये क्या किस टाइप की प्रोसेसिंग लगाता है या लगाता होगा तो मुझे इस टाइप का आउटपुट मिल रहा है। और वो आउटपुट को देखो कितने सुंदर या किस तरीके से दिखाता है। अगर आप देखोगे तो रील्स है, इंस्टाग्राम आई थिंक है स्टोरी, उसकी किसी का आइकन पर क्लिक करके उसका स्टोरी दिखता है, स्टोरीज दिखाया गया किसी ने इंस्टाग्राम में? Yes, sir. स्टोरीज जो है वो खत्म हो जाती है ना 24 घंटे के बाद। Yes, sir. क्यों करेगा वो ऐसा? सोचो क्यों, मैं भाई कंटेंट है, यूट्यूब बोलता है कुछ भी अंदर डाल दो लाइफ लॉन्ग पड़ा रहेगा, करेक्ट। लेकिन इंस्टाग्राम बोलता है नहीं नहीं कुछ डालोगे तो 24 घंटे भी रहेगा, 24 घंटे के बाद नहीं दिखेगा। अगर तुम्हारा कंटेंट कोई देख नहीं रहा तो नहीं डालो। दूसरा, अगर मैं किसी के बारे में स्टोरीज देखना चाहता हूँ तो मेरे पास 24 घंटे ही है ना। तू अगर मान ले डेली स्टोरी डालता है तो मेरे को डेली देखने के लिए आना पड़ेगा ना इंस्टाग्राम के अंदर,
और इंस्टाग्राम का पैसा तब बनता है जब तुम रोज रोज वापस आते हो, ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हो। ओके, तो ये लोग इस तरीके से अपने लॉजिक को अपने बिजनेस इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके प्रोसेसिंग बिल्ड करते हैं। तो इरादा ये नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इरादा ये कि वो कैसे कर रहे हैं, इसको हमने समझना है, ठीक है। और इसका पर्पस यही है, कल अगली बार जब तुम्हें कोई बताएगा कि तुम जावा में मैं तुम्हें ये पढ़ाने वाला हूँ या नोड.js का कोई सेशन देगा, तो तुम्हें पता होगा कैसे इसकी वजह से मैं अपना प्रोसेसिंग का लॉजिक लिख सकता हूँ किसी भी आइडिया का। तो वो क्या आइडिया होगा वो तुम्हें नहीं पता, बट लिखने के लिए तुमको ये लैंग्वेज लिखना। उसी तरीके से अगर कोई तुम्हें AWS, क्लाउड, डेटाबेस, MySQL, SQL ये सब सिखाएगा, तुम्हें समझ आएगा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को बहुत एफिशिएंटली स्टोर कर सकता हूँ। कोई अगर तुम्हें फिगमा, कैनवा, HTML, CSS, Flutter या कुछ भी एडिटर सिखाएगा, तो उसका पर्पस है कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी जो तुम बना रहे हो उसको दिखाओगे कैसे, उसके लिए काम कर, ठीक है। ओके, यस सर, डन, यस सर, ठीक है। अच्छा चलो, अभी किस किस को बोरिंग लगा, ये अपन खत्म हो गए, इतना ही था। अब रुको, आ जाते हैं अपन, तो मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। हाँ अभी बताओ किस किस को बोरिंग लगा, किसी को कुछ ऐसा जो डाउट है, या अपन ने इसको और अच्छे से क्या करना चाहिए था, या कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया। शुभम तकर, अश्वनी गणेश, सब लोग अपना फीडबैक दे दो। सर, यू टेल बिट बाइट बट डोंट टेल अबाउट बिट वन। हां करेक्ट, आई वाज वेटिंग फॉर दैट, गुड, आई विल कम बैक। सो ओके, तो देखो अब तुम में से किसी ने एप्लीकेशन में पूछता रह गया, तो बिटकॉइन जैसा हमने फेसबुक के बारे में बात किया, जैसा हमने व्हाट्सएप के बारे में बात किया, वैसा ही बिटकॉइन अपने आप में एक एप्लीकेशन है। हाँ, वो क्रिप्टो करेंसी का एक एप्लीकेशन, ठीक है। विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल अबाउट इट, ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई देखो, हम लोग जब ये फंडामेंटल ऑफ एनी सिस्टम समझते हैं, ठीक है, तो हमको एक चीज़ समझती है कि अच्छा, हम लोग अपनी खुद की कोशिश नहीं, उससे खुद का एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया व्हाट्सएप, किसी ने उससे एक सोशल नेटवर्क बनाया फेसबुक, किसी ने उससे इमेज शेयरिंग नेटवर्क बनाया इंस्टाग्राम, किसी ने इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट को यूज करके बनाया बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, वो सिर्फ एक नाम है, ओके। अदरवाइज बेसिकली इट्स अ, जैसे आप फेसबुक पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, करेक्ट, उसी तरीके से आपके लिए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो हुआ जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनक्रिप्ट कर देना या क्रिप्ट कर देना, मतलब अगर मैं हेलो लिख के भेज रहा हूँ तो उसको मैं क्रिप्टो कंफ्यूजिंग बना दूंगा, ठीक है, और उसको मैं हिडन मैसेजेस, मतलब जो कोड वर्ड में भेजूंगा ना हेलो, उसको एनक्रिप्टेड बोलते हैं। तो किसी भी करेंसी को अगर मुझे 100 रुपये भेजना है सुमित को, और सुमित और मैं दो अलग अलग कंट्रीज में, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम उस लेवल पे नहीं है कि उस ट्रांजैक्शन को इजीली हैंडल कर सकें, ओके, क्योंकि ट्रस्ट बैंकों के बीच में आ जाता है, कंट्रीज के बीच में। इसके लिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया क्रिप्टो करेंसी के लिए, और ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज के उसने पूछा है तो मैं उसे आंसर करता हूँ, हो सकता है सुमित तुम्हें समझ आए, ओके। ऑब्जेक्टिव है दैट इट वाज डिजाइंड विद एन इंटेंट कि भाई सब लोग इजीली ट्रांजैक्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो पूरी दुनिया में यूज होती है। इंडिया में रुपया चलता है, US में डॉलर चलता है, ओके, हालांकि डॉलर हर कोई, हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है दैट डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी, बट इंडिया में तो हम रुपया यूज़ करते हैं, तो अगर मेरे पास रुपया है, सामने वाले को मुझे डॉलर देना है, तो मैं कैसे दूंगा? पहले मैं जाता हूँ बैंक के पास, बैंक मुझे मेरे 100 रुपये देता है, फिर पूछता है तुमको क्यों देना है डॉलर बाहर, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस है और टाइम लगता है। तो इनएफिशिएंट सिस्टम के अगेंस्ट किसी ने एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम बिल्ड किया क्रिप्टो करेंसी, उसमें लोगों ने ट्रेडिंग चालू कर दी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या कह रहे हो, दैट दे डू इन्वेस्टमेंट एंड दे कैन गेट प्रॉफिट और लॉस। हाँ, नहीं नहीं, तो देखो इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर करेंसी की वैल्यू बदलती है। तुम अगर देखोगे तो गोल्ड का एक रेट है, राइट,
आज से बहुत साल पहले जब हम लोग वो अमर चित्र कथाएं पढ़ते थे हम लोग अभी इन्वेस्ट कर लेंगे गोल्ड खरीदने के बाद महंगा हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा। बस तो जब राजा लोग रूल करते थे तो वो लोग गोल्ड को करेंसी की तरह यूज करते थे, सिक्के बना बना के, बराबर। बाद में पेपर नोट आ गए करे और गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से कोई भी जितनी भी बीट बिटकॉइन एवरीथिंग एल्स होल्ड, ये भी अलग अलग करेंसी डिजिटल करेंसी, जैसे वैसे इन करेंसीज की, क्योंकि ये करेंसी एक लिमिटेड वैल्यूज में फ्लोट की जाती है कि इतनी ही है, ओके। और उनको यूज करके देखो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मनी, एनीवेज ओके वी आर गोइंग लिटिल ऑफ टॉपिक ओके बट विदाउट टेकिंग मच आई विल टेक वन मोर मिनट। किसी और को भी क्वेश्चन है, कोई फीडबैक देना चाहता है, कैसा लगा सेशन, क्या सीखने को मिला? अश्विनी, शुभम, अनिकेत, सर माय फीडबैक इज दैट लाइक ऑसम सर, वी हैव जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत में बच्चों को बिट्स एंड बाइनरी भी नहीं पता था, बट आई गेस बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज कवर की। राइट, आई विल मेक श्योर कि बच्चों से थोड़ा और डिटेल फीडबैक एंड ऑल्सो इफ कुछ क्वेश्चन हों जो वो मीट पे नहीं बोल पाते हैं, हम लोग से पर्सनली बोल देते हैं अगर कुछ ऐसा हो तो आई मेक श्योर जो आप कन्वे होते हैं। ग्रेट कि अगर आप आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो यू कैन एटलीस्ट आंसर दोस क्वेश्चंस। ऑल राइट, दैट वुड बी सुपर्ब। बाकी सारे बच्चे एक बार जोर से ताली बजा दो नितिन सर के लिए, नितिन सर के लिए इतना अच्छा। Thanks a lot, Nitin sir. Thank you. आगे इतनी interesting बातें इन लोग के साथ आए बच्चों के साथ की। I hope one of these students will take away some of these learnings and no, definitely. Really cool and great out of it. Thank you, babe. Thank you. All right. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Tata. Bye, sir. Bye. Jai Hind.